चलो ए बेटा लो, ओए हो गया साहब, पेन छोड़ो, पेन छोड़ बेटा, सब दिया जाएगा आपको, पूरा नोट करने का मौका दिया जाएगा, सब करेंगे ठीक है। वही गधे लोग, बेटा लोग, बेटी लोग, सुनो, हम लोग आज जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है, चलो बात करना शुरू करो। आज वो टॉपिक क्या है बेटा? क्वांटम नंबर। बेसिक तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे आप लोग, है ना? ध्यान से सुनो, क्वांटम नंबर बेटा वो टॉपिक है, अगर आप एमसीक्यू का पैटर्न उठा करके देखोगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसपे आप बैठ के स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रैक्टिस कर रहे हो और उस पर 100 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, तो बेटा 100 में से देखना 40 से 50 क्वेश्चन तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड मिलेगा। कहने का मतलब इसका वेटेज को समझो, ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, नोट अभी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए क्वांटम नंबर होता क्या है, बोलो बोलो, जो समझ में आता है बात करो, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, नॉट बैड, नॉट एट ऑल, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही एड्रेस नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के साथ उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर, वो क्या कर रहा है, उसका सब कुछ। देखो आप लोग मैथ्स में चैप्टर एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, पढ़े है ना सेट, ठीक है? तो क्वांटम नंबर क्या मालूम है? सेट है। ये किसका सेट है? 4 नंबर का ये सेट होगा, और ये 4 नंबर का सेट आपको किसके बारे में जानकारी देगा बेटा? पढ़ो, हर एक इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक ये बताएगा। इस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब वो किस ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में है, उस सब ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है, वो किस डिरेक्शन में रोटेट कर रहा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कहां से निकालने वाले बेटा? ये 4 क्वांटम नंबर से निकालने वाले, ठीक है? अब पहली बात हम ध्यान से बैठा लो कि जो चार क्वांटम, उन पहले ये बात कर लेते हैं कि 4 क्वांटम नंबर क्या क्या है हमारे पास, ये ना भाई, एक हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजिमिथल क्वांटम नंबर, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक सिंबल के बारे में भी समझ लो, एन एल एम, और एम के साथ एक और तरीके से आप लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में एल, दूसरा तरीका होगा बेटा एस, और एस के साथ आप क्या लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में एम के साथ एस, ठीक है? अब आगे ध्यान से सुनो, मामला ऐसा है बेटा कि ये जो 4 क्वांटम नंबर पढ़ने जा रहे हैं, इस 4 क्वांटम नंबर का सबसे पहले 4 फंडामेंटल बेटा एकदम दिमाग में उतार लेना है। 4 क्वांटम नंबर का 4 फंडामेंटल, 4 फंडामेंटल बात क्या क्या, ये बात अगर याद नहीं रहेगा तो आप क्वांटम नंबर में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे बेटा हमेशा आपको हम बोलते हुए कि हर पढ़ाई का, हर कंसेप्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं, और फंडामेंटल को यहाँ उतारना ही पड़ेगा, नहीं उतारोगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटम नंबर कितने तरह का हमारे पास, 4। 4 में से सबसे पहले 4ों का नाम याद कीजिए, एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक, और चौथा आप में से कोई है जो बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और भी कई नाम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक सीनियर क्वांटम नंबर भी कहते हैं या मेजर क्वांटम नंबर कहते हैं, सीनियर या मेजर क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक और नाम, वेरी गुड, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एक और नाम ऑक्सिलरी क्वांटम नंबर, एक और नाम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है? अब इन 4ों का पहले बेसिक आप याद रखो, 4ों का जैसे जैसे आप बेटर चैप्टर के डेप्थ में जाओगे सब कुछ समझते चले जाओगे, ठीक है? सबसे पहले 4 क्वांटम नंबर का 4ों नाम, ये पहला चीज याद रखेंगे। फिर 4ों का सिंबल, इसका सिंबल क्या, इसका सिंबल, इसका सिंबल और इसका सिंबल, ये आपके पास, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट, अब 4ों का क्या आपको जानना, फंक्शन भी, वो क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ऑर्बिट के बारे में, या इसको आप दूसरे तरीके से कहोगे ये एनर्जी लेवल को, क्योंकि आपको पता है ना ऑर्बिट का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ऑर्बिट बल का कोई चीज होता है, नहीं होता है ना, जो होता है उसका एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप कह सकते हो ये एक और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एन का वैल्यू बढ़ रहा है, यही है ना। और ये क्या चीज के बारे में आपको इन्फॉर्म करेगा, ये किस चीज के बारे में इन्फॉर्म करेगा आपको, एज वेल एज नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन, आइए बात करेंगे, हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे, ठीक है? ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन, डायरेक्शन, यही होता है ना, पोजिशन। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या आपके पास, तो फिर से बात करें बेटा, 4 क्वांटम नंबर का 4 चीज आपको याद रखना है, 4 में से 3 का बात कर चुके हैं, 4ों का नाम याद रखना आपको, 4ों का सिंबल याद रखना बेटा आपको, और 4ों का फंक्शन वो क्या क्या करता है। अब 4ों का वैल्यू पे बात करते हैं, ठीक है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कहां से शुरू होगा, 1 2 3, कहां तक जाएगा बेटा,
इनफाइनाइट क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑर्बिट हमेशा इनफाइनाइट। और इसके एक और नाम भी दिया गया, पढ़े ये सब याद होगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट को केशल कहते हैं, सेकेंड को एल, थर्ड को एम एंड सो ऑन। अब आइए बात करते हैं एजीमिथल क्वांटम नंबर पे। एजीमिथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कहां से शुरू होता है कौन बताएगा, खत्म कहां होता है बेटा, जीरो से तो शुरू, ये कहां से शुरू हुआ, कहां तक जाएगा, देखो इसको हम लोग ऐसे बोलते, सुनो ये शुरू होगा वन से, खत्म होगा एन पे, ठीक है, और एन का वैल्यू क्या हो सकता है इनफाइनाइट। उसी तरीके से ये शुरू होगा जीरो से और खत्म कहां पे होगा एन माइनस, तो जीरो से शुरू होगा और खत्म कहां पे होगा बेटा एन माइनस वन पे। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर ये बात को ध्यान में रख पाओगे तो देखना कई ऐसा प्रॉब्लम आएगा क्वांटम नंबर का बेटा, जितना भी क्वेश्चन आएगा अभी हम लोग बनाने वाले आपको हम दिखाएंगे 5 सेकंड, उससे ज्यादा तो लगने ही वाला नहीं, क्योंकि यहाँ कोई न्यूमेरिकल आपका नहीं कि आपको कैलकुलेट करना, ठीक है, लेकिन वो 5 सेकंड का खेल खेलने के लिए फिर से वही तैयारी करना होगा। तैयारी सुन लो अच्छे से, हमेशा आपके साथ यहाँ गेम खेला जाएगा, आप जब प्रॉब्लम बनाने बैठोगे बेटा तो जब जब आपको वैल्यू का जरूरत पड़ेगा कभी भी आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में, नाम पकड़ा देगा, और जब जब नाम का जरूरत पड़ेगा देखना कभी भी नाम नहीं देगा, वो हमेशा वैल्यू पकड़ा देगा। इसलिए दिमाग में छापो इसको, किस तरीके से, जीरो बोलते ही आपके दिमाग में बत्ती चलेगा एस, और एस बोलने का मतलब आप समझोगे जीरो, वन का मतलब पी, पी का मतलब वन, टू का मतलब डी, डी का मतलब टू, थ्री का मतलब एफ, एफ का मतलब थ्री, फोर का मतलब जी, जी का मतलब फोर एंड सो ऑन। क्लियर है, इसको इस हिसाब से ध्यान में रखना है। अब आइए बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उम्मीद करते हैं आप पढ़ेंगे किसका वैल्यू कहां से कहां तक होता है बेटा, माइनस एल से प्लस एल तक। एक और चीज याद रखना, और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा, प्लस। तो फिर से बात करें, चार क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर का चार इंफॉर्मेशन, चार फंडामेंटल, चारों का नाम, चारों का नाम, चारों का सिंबल, चारों का फंक्शन और इसका वैल्यू याद रखना। क्लियर यहां तक सबको, ठीक, आगे बढ़े बेटा। अब आओ इसके साथ एक और चीज याद रखना, पढ़ो यहां क्या बताया गया है, आगे ये लैंग्वेज पकड़ के रख, आगे चलकर इसका कई खेल दिखाएंगे। आपके कैलकुलेशन में एम का जितना वैल्यू आएगा समझ जाना आपके पास उतना ऑर्बिटल तैयार हो रहा है, ठीक है। आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एम का, एन का वैल्यू, एल का वैल्यू, एम का वैल्यू, सारा वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये वैल्यू कितने ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है, बोलो तो जवाब क्या होगा। आप एन और एल को देखने नहीं जाओगे, जब ऑर्बिटल की बात करोगे आप किस पे फोकस करोगे, एम पे, ठीक है। यहां तक चलिए आगे बात करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन, जैसे हमेशा बताते हैं बेटा पढ़ाई का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो फंडामेंटल, फंडामेंटल पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसको रखना है, और उसका जो सेकंड फेज आता है वो क्या होता है उसका एप्लीकेशन, यहाँ आप दिमाग लगाएंगे। आइए बात करते हैं, ये देखो एक पैटर्न तैयार करते हैं, क्या हमारे पास ऑर्बिट, उसके बाद एन, फिर एल सब ऑर्बिट, एम ऑर्बिटल, ठीक। चलो यहां देखो, अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट तो बोले इनका वैल्यू क्या होगा, और अगर n का वैल्यू 1 होगा तो l कितना होगा, किसी को भी डाउट है तो बात करेगा, समझ में आ रहा क्यों जीरो, बताओ क्यों जीरो होगा, क्योंकि आप बोलोगे l का जो वैल्यू होता है वो जीरो से लेकर के कहां तक होता है n माइनस वन, और n का वैल्यू कितना बेटा, इसको 1 बैठा तो आप क्या बोलोगे, जीरो टू, तो जीरो ही आएगा, और जैसे ही जीरो बोलेगा तेरे दिमाग में जो बत्ती जलेगा वो तब और बीट, ठीक है। देखो एक सवाल पूछते, एक सवाल याद है, बताओ पी में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पी में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये फंसोगे, पी एस पी डी एफ जब पढ़ोगे तो सिर्फ एस पी डी एफ मत पढ़ना, साथ में ये देखना कि एस सब ऑर्बिट की बात करें कि एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, पी सब ऑर्बिट की बात करें या पी ऑर्बिटल, अगर पी सब ऑर्बिट में पूछा जाए कितना इलेक्ट्रॉन तो जवाब क्या होगा, लेकिन अगर पूछा जाए पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन तो जवाब 2 होगा, इसलिए इस लैंग्वेज पर ध्यान देना, ठीक है। तो एस तो बात कर रहे बेटा, लेकिन कौन सा एस, सब ऑर्बिट की बात करें, क्लियर यहां तक की बात, ठीक है। तो वापस से समझते आओ, तो ये समझ में, अगर फर्स्ट बस आपको एक एक, एक चीज दिया गया, इससे पूरा चीज आपको पता करना है और यही एप्लीकेशन, ठीक है। तो बोलो अगर फर्स्ट ऑर्बिट तो इनका वैल्यू 1 होगा तो ये 0, 0 बोलते ही आपको क्या समझ में आना, एस सब ऑर्बिट। अब अगर एल का वैल्यू 0 है तो एम का वैल्यू -0, अच्छा ठीक है, -0 से +0, आंसर तो 0 ही कहलाएगा ना बेटा, ठीक है। अब ये बताओ एम का कितना वैल्यू आपको दिख रहा है, 1, और वो कौन सा वैल्यू है, 0 वैल्यू है, 1 कौन सा है, तो जितना वैल्यू होगा उतना ऑर्बिटल बनेगा, 1 ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा इस ऑर्बिटल का नाम बताओ, आप कहोगे इस ऑर्बिटल, ठीक है। आइए फिर से बात करते, बोलो किसकी बात करें, समझना,
कौन सा ऑर्बिट है बेटा हमारे पास, सेकंड। तो सेकंड की एन का वैल्यू, अगर एन का वैल्यू टू होगा तो इसका वैल्यू दो होगा। कैसे? आप बोलोगे कि एल का जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर के एन माइनस वन, एन कितना है टू, तो टू माइनस वन, तो टू माइनस वन का मतलब ये कितना है बेटा वन, तो जीरो से लेकर के वन तक क्या क्या होगा, एक जीरो होगा और एक। अब जैसे जीरो बोलेगा तो आप दो खेला गया और एस वन बोलने पर ये जीरो बोलने का मतलब कौन सा सब ऑर्बिट एस, और वन बोलने का मतलब कौन सा सब ऑर्बिट पी। अब ये बताओ कि अगर एल का वैल्यू जीरो है तो एम का वैल्यू, और अगर एल का वैल्यू वन है तो एम का वैल्यू, ये होगा। अब बताओ यहां पर टोटल कितना वैल्यू एम का इसमें, अरे यार जिस, और यहां पर कितना है, इसके लिए आपको क्या मिलेगा और इसके लिए आपको क्या मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, m का जितना वैल्यू होगा उतने ही और बैटल तैयार होगा। क्लियर यहां तक की बात बेटा? आइए एक और एप्लीकेशन पे बात करते हैं फिर से, थर्ड। उम्मीद करते हैं ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, अगर पहला दो समझ गए तो पूरा खेल आपको समझ में आ गया। बोल n का वैल्यू थ्री होने पर ये तीन वैल्यू होगा, है ना, इसके बाद s मिलेगा, p मिलेगा और d मिलेगा। जीरो का मतलब ये, p का मतलब ये और d का मतलब ये बेटा, मतलब यहां पर आपको कितना और बैटल मिलने वाला है एक, यहां पर कितना और बैटल मिलेगा तीन, और यहां पर कितना मिलेगा पांच। ठीक है, अब एक और लैंग्वेज समझाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। चलिए देखते हैं आप लोगों का समझ। बोल बेटा इसका नाम एस, एस क्या और बाइटल, ठीक। इसका नाम और बाइटल, ठीक। इसका नाम, तो बेटा ये सब ऑर्बिट है एज वेल एज यही एस और बाइटल है इस मामले में, लेकिन इस मामले में ये पूरा का पूरा टर्म क्या कहलाएगा, पी सब ऑर्बिट, तभी आपका छह इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन जब इसकी बात करेंगे ओनली एक घर, सिर्फ एक घर की बात कर, इसका नाम पी ऑर्बिटल। इस पूरे का नाम बोल डी सब ऑर्बिट, लेकिन इसमें अगर सिर्फ एक घर को उठा के पूछ ले तो डी ऑर्बिटल। समझ में आया बेटा? जी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा बेटा, समझ ले। जैसे ही आपका सवाल पूछ लेना कि ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो जवाब हमेशा, चलिए ना एक दो सवाल और पूछ लेते हैं। बोल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो होगा, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो या अगर आपसे हम पूछेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बोले रहेगा था दो ऑर्बिटल, बोलते ही दो आएगा आपका जवाब। अगर आप दो के अलावा कुछ और बोलते तो आप किस रूल के अगेंस्ट चले गए, बोलना तो तुम लोग पाउली तोड़ देंगे, पाउली जरूर है ना आप लोग का पढ़े ना पाउली, ठीक है, समझ में आइए। आइए फिर से बात करते हैं, ए ये समझ में एप्लीकेशन, ये नीचे वाला पार्ट आपको बताओ यहां पर कितना बनेगा एक, यहां पर इसका और ये, अच्छा ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एफ सब ऑर्बिट, लेकिन एक क्या कहलाएगा, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े बेटा। चलिए ये था एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन से कुछ निचोड़ निकालने वाले, इसी निचोड़ से सबसे ज्यादा आपको काम मिलेगा, क्वेश्चन बना पाओगे। यहां देखो जो सवाल पूछ रहे, अच्छा एक और सवाल, उससे पहले एक और सवाल, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सब ऑर्बिट पाया जाता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, है ना, याद करो आपका स्कूल लेवल का क्वेश्चन आपको याद दिला, आपसे पूछा गया था 1D एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, आपसे इस तरीके से, यहां पर क्या बेटा ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा 1s मिलेगा ना, आपका स्कूल लेवल का क्वेश्चन हुआ करता था 1p 1d ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है, 2s होता है, 2p होता है, 2d 2f ये सब नहीं होता है। कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग इसको, अगर आपसे कहा जाए कि 1d एग्जिस्ट नहीं करता है तो बोले ठीक ही बात है, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, बोले 1d का मतलब n का वैल्यू बोल बेटा होगा 1, और अगर n का वैल्यू 1 होगा तो l का वैल्यू बोल 0, और d होने के लिए l का वैल्यू क्या होना चाहिए, हो 2 होना चाहिए, ठीक, कैसे हो 2 होगा ना, तो बेटा आपका l का वैल्यू तो 0 आ रहा है, इसका मतलब 1d नहीं होगा, ठीक। अब आपसे जो सवाल पूछे वो जवाब देना, बोलो पहला ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट, कौन सा नहीं, कौन सा तो बात होगी, एस होगा, एसपी है ना, बोल पहला ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांच में, छह में, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, नहीं, जितना ऑर्बिट का नंबर होगा उतने ही सब ऑर्बिट पाया जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए अगला पार्ट फिर से जवाब दीजिएगा। तो अभी हम लोग ये बात की कि एक ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट पाया जाएगा, ये हुआ ना बात। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा, तो ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल मिला बेटा, एक, सेकंड में कितना मिला,
चार, थर्ड में कितना मिला? फोर, नौ। यहां कितना है? फॉर्मूला बोल, एन स्क्वायर। तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट का फॉर्मूला एन, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला, अच्छा एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एन स्क्वायर में कितना इलेक्ट्रॉन। यही तो आपको नर्सरी में पढ़ाया गया था कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2n स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? आइए बात करते हैं फिर से। तो ये देखो और पढ़ो, बोल पहला लाइन समझ में आया बेटा, चेक कर, है ना। किसी भी शेल में मतलब ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट पाया जाएगा, एन होगा। अगला पढ़ के देख, समझ आया? किसी भी ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल पाया जाएगा, एन स्क्वायर। नेक्स्ट पढ़ देख, तो समझ में आया ठीक है। अब आगे दो सुनो, अच्छा एक और सुनो, एक लॉजिक आपको बता देते, ऐसे बहुत आसानी से याद रख पाओगे। अपने कहानी बना लेते समझने के लिए, अपना कहानी। ऑर्बिट और फिर कौन है बेटा, सब ऑर्बिट, और फिर कौन है उसके बाद, ऑर्बिटल के अंदर कौन पाया जाता है। इसको कहानी ऐसे समझ ले कि ऑर्बिट को हम लोग अपना एक नाम दे देते हैं, बिल्डिंग, ठीक। सब ऑर्बिट को नाम दे देते हैं फ्लैट, ऑर्बिटल को नाम दे देते हैं रूम, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन को नाम दे देते इंसान, ठीक है। मान ले जैसे ये गधा मेरा चारा ना लेके भाग गया, अब अगर इसको ढूंढना तो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले जाकर के पता करेंगे उस इलाके में ये किस बिल्डिंग में रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर किस फ्लैट में रहता है ना। अच्छा आप लोग को याद है ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या बताया गया था? इज इज मैक्सिमम, ये था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज। अब अपने को क्या करना है, इसे पैसा वसूल करना है, तो अपना पास क्या लॉजिक होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हिम इज मैक्सिमम वेयर। तो भाई उसका घर होगा और कहां मिल सकता है ना भाई, प्रोफेशनल पॉकेट मार तो है नहीं कि थाना में मिलेगा सारा टाइम में, ठीक है। तो सुनो, जिस तरीके से बेटा एक बिल्डिंग के अंदर फ्लैट, फ्लैट के अंदर रूम, रूम के अंदर इंसान मिलेगा, उसी तरीके से समझ जाना आप कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर और ऑर्बिटल के अंदर। और साथ में ये भी याद रखना कि अगर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, उसका टिकट आरएसी है। कभी आप लोग ट्रेवल किए ट्रेन में, आरएसी बर्थ कभी हुआ है? अच्छा ये बताओ तो अगर आरएसी बर्थ मिलता है तो उसमें कितने लोगों को परमिशन मिलता है, दो से ज्यादा को मिलता है या दो से कम? लीगल वे में, इलीगल वे में जाओगे तो जितना मर्जी उतना बैठ जाओ। लीगली कितना होता है, दो। और वो दो लोग रात में कैसे सोते हैं, एक का सर इधर और एक का, तो बस वहां पे भी इलेक्ट्रॉन वैसे ही मिलेगा बेटा, एक ऐसे और एक, समझ में है, उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, वो आरएसी बर्थ में बैठा हुआ, ठीक है। यहां तक बात करते हैं, यहां देखो तो सुनो, ये बात हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यानी अभी तक हम लोग ये बात की कि एक बिल्डिंग में कितना फ्लैट है, फिर बात की उसी बिल्डिंग में कितना रूम है, और इस पर बात की उस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, है ना। अब बात देखो तो क्या बात कर रहे हैं कि एक फ्लैट में कितना रूम है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या आपके पास, 12 प्लस 1, मतलब समझा रहे, फ्लैट का मतलब कौन, सब ऑर्बिट, तो कौन सा सब ऑर्बिट है, एस है, पी है, डी है, एफ है। अगर आपसे पूछा जाए एस के अंदर कितना ऑर्बिटल, तो अभी तो डायग्राम से देखे एक था, पी में कितना था बेटा, डी में कितना था, एफ में कितना, अपना लॉजिक बना, जी में सात, राउंड यहां पे समझ आ रहा है, वापस चले आ जा बेटा, तुम्हें सब गजनी है। एक था ना, पी में कितना था, डी में कितना था, और यहां पर सात था कि नहीं, है ना। तो बोलो अगर एस की बात करते हैं तो एस के लिए एल का वैल्यू कितना है, बैठा जी वन आएगा, पी के लिए एल का वैल्यू कितना है, बैठा वन थ्री आएगा, डी के लिए कितना है बेटा, टू है, फाइव आएगा। तो आप ये फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। तो ये क्या पता चला कि एक सबशेल में, एक सब ऑर्बिट में कितना, अच्छा एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इनटू, अरे किए ना बेटा आप यहां पर जो कि इनटू टू की, तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला, नीचे मिलेगा ये। तो देखते अगला फॉर्मूला समझ आया कि नहीं, तो इनटू टू कर देंगे। आप देखना बेटा ऐसा क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ मिलेगा आपको, नीट और जेई में कई बार पूछा गया इस तरह से, बस ये मेमोरी बेस्ड जो लॉजिक बता रहे पकड़ कर रखेगा, बोले पांच सेकंड दो सेकंड खत्म है कहानी। यहां तक बात समझ में आया, आइए कुछ आगे बात करते हैं। ओए गधेड़ा यहां ध्यान दे बेटा, किडनी तोड़ देंगे, यहां देख मोमेंटम, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, कुछ लॉजिक बता रहे पकड़ काम आएगा। मोमेंटम तो पता है ना, दो तरह का होगा आपके पास, एक लीनियर वेलोसिटी से लीनियर मोमेंटम, सर्कुलर जो रोटेशन होगा वहां पर। अब याद रखना एंगुलर में दो पार्ट है हमारा, अच्छा बताओ तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कैसे घूम रहा है। देखना मान लो अगर ये न्यूक्लियस है, एक तो ऐसे घूम रहा है,
नहीं, ऐसे तो घूम रहा है, साथ ही साथ अपने एक्सिस पे रू, समझ में आ रहा है, इस तरीके से हो रहा है ना, खुद भी घूम रहा है साथ में घूम रहा है। बोल, इस घूमने को जो सर्कुलर ऑर्बिट में है, समझ में, जो ऑर्बिट में है उसमें घूमते वक्त जो उसका ऑर्बिटल जो मोमेंटम होगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उसका नाम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जब वो ऑर्बिट पे घूम रहा है। और उसी ऑर्बिट में जब वो स्पिन कर रहा है, स्पिन के वक्त जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा बेटा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से सुन, दो तरह का एंगुलर मोमेंटम, एक और एक, समझ में आ रहा, ऑर्बिटल कब होगा, जब अपने ऑर्बिट में घूम रहा उस वक्त का मोमेंटम, और उसी ऑर्बिट में घूमते वक्त वो अपने स्पिन एक्सिस में रोटेट कर रहा है, उस वक्त जो स्पिन मोमेंटम होगा वो क्या होगा बेटा आपका। और इन दोनों के डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला है, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना, आपके पास सिंपल पूछेगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना पता करो, और ये ऑर्बिटल कितना, पहले एंगुलर मोमेंटम कितना, यही है ना, क्लियर। अब अगर इसका दो टाइप में बात करेगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द फॉर्मूला अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बाई 2 पाई। यहां से क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ बेटा, जेई बोल नीट बोल सब में क्वेश्चन मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे अगर पूछा गया कि 1s 1 2s 2p 3s 3p 3d, बोलो अगर इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जीरो हो जाएगा। आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन ये देगा पूछेगा वो, फिर से समझ दे खेल क्या हुआ, आपको पकड़ा दिया क्या सिंबल, और आपको वैल्यू की जरूरत है, एस बोलते दिमाग में क्या लाना आपको, जीरो। चल बेटा फटाफट बोलते जा, नेक्स्ट बोल, इसका वैल्यू वन पुट करेंगे तो 1 + 1 रूट 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोल, एच बाई रूट 2 पाई, या फिर जो रखना रखो, यहां पे बोल, अरे यहां पे बोल, यही आएगा, यहां पे बोल, सिक्स एच बाय, ऊपर क्या आएगा रूट 6, तो रूट 6, समझ में आई ये बात। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया, ये क्या था बेटा, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, ये रहा आपके पास सेम फॉर्मूला मिला, वहां पर एजिमिथल क्वांटम नंबर का आप इस्तेमाल करोगे, और यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करोगे, और स्पिन क्वांटम नंबर का हमारा आंसर तो फिक्स है बेटा, ये तो प्लस हाफ होगा, या देखिए आपका फॉर्मूला मोड में दिया है, चाहे आप प्लस बैठा हो या माइनस बैठा हो, अल्टीमेट आपका आंसर ये फिक्स्ड है और यही आएगा। यहां तक ये बात समझ में आया, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है, कहां पे इस्तेमाल होता है, कैसे होता है। फिलहाल ये जो फंडामेंटल दिया इसको याद रखना। अब अगला बात स्पिन पे, अच्छा उससे पहले एक और, पेनिट्रेटिंग पावर का भी जानते हैं बेटा, पेनिट्रेटिंग पावर देखो, तो ये जानकारी की जो न्यूक्लियस के जितने नजदीक होगा उसका पेनिट्रेटिंग पावर उतना ज्यादा होगा। ये टर्म आगे चलकर हम लोग को कई जगह पर अप्लाई करना, ये रूल याद रखना, ऑर्डर याद रखना कि सबसे नजदीक कौन होता है बेटा, एस, फिर पी, फिर डी, जैसे जैसे होता है वो दूर होता चला जाता है, ठीक है। अब अगला पार्ट देखो, स्पिन की बात करते हैं, टोटल स्पिन। स्पिन निकालते वक्त क्या करना, मान लो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, और आपको क्या पता करना है, तो बोल इसका स्पिन कितना होगा, प्लस हाफ, इसका स्पिन कितना होगा बेटा, माइनस हाफ, इसका प्लस हाफ, इसका टोटल कर बोल 1 आएगा। ये एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये इस्तेमाल करना, क्या इस्तेमाल करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है, तो 2 / 2। अच्छा कंफ्यूज मत करना, थोड़ी देर पहले तक बेटा कुछ करने का नहीं, अपने पास इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, उससे ज्यादा तो है नहीं, इससे कंफ्यूजन का चांसेस है। अब तक हम लोग जितना भी ये एन पढ़े, ये सब नंबर ऑफ ऑर्बिट था, लेकिन बेटा ध्यान रखना ये वाला इन जो है आपका, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। अगला टर्म देखो क्या, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये अच्छा उससे पहले एक और बात कर ले, फिर हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे बात करते हैं। सो व्हाट इज द टोटल स्पिन ऑफ दिस, बताना बोल बेटा, अगर इसका फॉर्मूला से सॉल्व करने जाओगे गलत हो जाएगा, नहीं अगर आप फॉर्मूला से सॉल्व करने जाओ तो आंसर 3/2 आएगा, क्योंकि आपको बताया गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना बेटा, फॉर्मूला भी कहां इस्तेमाल करना कहां नहीं वो समझ, इसे दोनों समझ लो, ये कंसेप्ट है। जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन है सारे का स्पिन को टोटल करो, वो बन जाएगा आपका टोटल स्पिन, ठीक है। अब आपके लिए सवाल, क्या ये इलेक्ट्रॉन सही फिलअप हुआ है, बात करो बात करो, पक्का नहीं हुआ ना, किसी रूल को तो ये वायलेट किया है, कौन सा रूल, हॉन्स का। तो याद रखना बेटा, अगर हुंड्स के रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फिलअप है तो आप बिंदास इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला अप्लाई करना,
लेकिन अगर नहीं है तो फंस जाओगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब दूसरी बात सुनो, हुंजुल का पूरा नाम कोई बताना चाहेगा? कभी आप लोग ये पढ़े जाकर बुक में देखना, हम लोग तो शॉर्ट में हुंजुल हुंजुल बोलते हैं। हुंज का पूरा नाम है हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, याद करो, है ना, हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम। ये देख भाई आ गया मल्टीप्लिसिटी। अभी इसका फॉर्मूला पकड़ के चल, आगे इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कहां और कैसे इस्तेमाल करना, ठीक है। एक दो तो अभी बता देते हैं आपको, सुनो रे, हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला है बेटा 2 इनटू सम ऑफ टोटल स्पिन प्लस 1। जैसे कि इसकी बात कर लो, बोलो इसका टोटल स्पिन कितना है, बात करो, बात करो, 1 बैठा दे बेटा, 1 2 इनटू 1 प्लस 1 कितना आएगा 3, तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। इसके एक और तरीके से भी आप समझ सकते हैं, सोचो तो अगर इसको ऐसे करते हम लोग, बोलो इसका वैल्यू क्या था, यही है ना, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू एन बाई 2 प्लस 1, आंसर बोल बेटा एन प्लस 1। यानी एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं, किससे कैसे निकाल सकते हैं, जितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्या जोड़ देंगे बेटा प्लस 1, समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस, कहने का मतलब है कि आप इस फॉर्मूला से सॉल्व कर पाओगे नहीं, यानी फिर से आप तभी इस्तेमाल कर सकते जब आप किस रूल को फॉलो कर रहे हुंज को, अदरवाइज आप इसको फॉलो नहीं। और सुनो, कभी आप लोग ऐसा वर्ड सुने सिंगलेट ट्रिपलेट, कहां सुने बताओ तो जरा, किस टर्म में, किससे रिलेटेड आप ये सुने, कभी आप लोग ऐसा सुने ट्रिपलेट ऑक्सीजन, सुने ट्रिपलेट ऑक्सीजन, बात करो, सुने ओजोन, अच्छा तुम्हारा कहना कि ओजोन ट्रिपलेट है, एनीवे कभी आप ये सुने सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन, नहीं सुने बेटा। ये देखो ऑक्सीजन का जो एटम होता है ना वो ट्रिपलेट इन नेचर है, ऑक्सीजन का एटम ट्रिपलेट इन नेचर है, कैसे देखो बताते हैं। ए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोल, अरे बोल 8, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोल बेटा 1s2 2s2 2p6, बाकी दो इलेक्ट्रॉन घर से लाएगा बेटा, ये है ना। अच्छा लास्ट वाले को इसको हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते हैं ना, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, p में 1 2 3 4, अब इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल, भाई ऊपर तेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी सिखा दिया, सिंपल सा तरीका है। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना बेटा, जितना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसमें 1 जोड़ेगा, है ना, कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां 2, तो बोल भाई तो ऑक्सीजन एटम क्या है ट्रिपलेट है। तब आप लोग बताओ अगर ऑक्सीजन एटम ट्रिपलेट है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, अगर 6 बोल रहा है हेक्सलेट, बोल बेटा बोल, अगर ऑक्सीजन का एटम ट्रिपलेट है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, आओ दिखाते हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना कितना इलेक्ट्रॉन, बोला ना, एक तो याद आया सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, बोल बेटा आगे क्या था सिग्मा 2pz2, इसके बाद पाई 2px1, इसके बाद पाई 2py1, फिर 2 फिर 2, उसके बाद पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, गिन 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, बोला आखिरी में क्या दिखा तुमको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बोल ये भी ट्रिपलेट है, ऑक्सीजन का एटम भी ट्रिपलेट पाया गया और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी ट्रिपलेट होता है, ठीक है। यहां तक आगे और बात करेंगे हम लोग ट्रिपलेट इस पे, फिलहाल ये बात समझ में आया, ओए गधे लोग ये सारा बेसिक फॉर्मूला बेटा तुम दिमाग में रखना, टोटल स्पिन निकालने का तरीका क्या होगा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका क्या होगा, यहां तक सबका ओके बेटा, आगे बढ़े, ये तो हम लोग बातचीत कर चुके, ठीक है। अब आइए बात करते हैं ऑर्बिटल पे, चलिए बात करते हैं व्हाट इज ऑर्बिटल। पहला जो कीवर्ड है वो क्या होना चाहिए, 3D, है ना, आइए देखते बात करते हैं, देखो क्या कहता है, पढ़ो, क्लियर है। अब सुन, तुम लोग में से जिस गधा या गधी को ऑर्बिटल लेकर के बेटा दिक्कत है, जो बताने दें ध्यान से सुन ले, ऑर्बिटल को हम लोग केमिस्ट्री में 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 तरीके से, एक जो थोड़ी पहले देखे थे बॉक्स बना के स्क्वायर बॉक्स दिखा देंगे वो ऑर्बिटल माना जाएगा, एक बॉक्स एक ऑर्बिटल,
दूसरा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम, जो डेफिनेशन के मुताबिक होता है, समझते हैं। बताओ तो ये क्या बना बेटा, ये 3D बनाया बे गधा, नोट दिख रहा है इसको, तुम खाली हमेशा नोट दिखता है, नोट बोला, नोट बोला, क्या बोला है यार। मान लो ये आपके पास 3D है बेटा, ठीक है, और ये डॉट को मान लो वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, जहां जहां पे बेटा डॉट दे रहे हैं मान लो कि वो जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, आप ये डॉट को मान के चलो, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो एक एक डॉट वो सारा का सारा रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे पढ़ लो डेफिनेशन में, प्रोबेबिलिटी कितना बोला है, कितना परसेंट चांस है मिलने का, बोल, व्हाई नॉट 100%? बोले सर अगर 100% तो फिर प्रोबेबिलिटी किस बात का, वो तो कंफर्म हो गया कि मिलेगा ही मिलेगा, है ना, ठीक है। ये जो पूरा ये हो गया आपका ऑर्बिटल, पर आपके स्कूल के एग्जाम में ये सब सोचा, अगर आपके स्कूल के एग्जाम में बेटा बोल दिया कि ऑर्बिटल ड्रॉ करो, स्कूल म्यूजिकल क्लास होगा, सबका बोर्ड डक 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 डक, पूरा क्लास म्यूजिकल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा ऐसे मामले में, ये क्लाउड के बजाय उसका जो बाउंड्री होता है बस उसको बना करके दिखा देते हैं। ये जो हम लोग दिखाते हैं ना ऐसे पी ऑर्बिटल, ये एक्चुअली में ये पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, हम लोग सिर्फ बाउंड्री को कवर करते हैं बेटा, पूरा क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन का, समझ में आ रहा हुआ, ठीक है। यहाँ तक आगे देखो तो सुनो, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका हो गया बेटा, तीन, एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक का बाउंड्री से रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। एक और बार फिर से समझते हैं, दोबारा देखो, मान लो जहां जहां पे डॉट हो रहा है, जहां जहां पे डॉट हो रहा है उस जगह पे क्या है बेटा मिलने का चांस, इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा डॉट बनाने में टाइम लगता है, आप अज्यूम कर लो कि ये सारा पूरा डॉट से भरा हुआ, ये पूरा भरा हुआ। अब इसको दे देते बेटा बाउंड्री इसका, ये देखिए इसका बाउंड्री दे दिया, इसको इसका बाउंड्री दे दिया। अब ध्यान से सुनना, ये पूरा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिख रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, पूरा रीजन को क्या कहेंगे, पूरे रीजन को क्या कहेंगे, ऑर्बिटल। लेकिन उस रीजन के अंदर चलते हैं, उस रीजन के अंदर में वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे एंटीनोड। और वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कोई मिलने का चांस नहीं, उस जगह का नाम नोड। ये तीन वर्ड पकड़ के रखो, ठीक है, और कीवर्ड समझो, पूरा रीजन का नाम, पूरा रीजन का नाम, उस रीजन के अंदर जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम एंटी नोड, जहां मिलेगा और जहां नहीं मिलेगा। गिव मी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नोड, मोस्ट कॉमन सेंस में बोले, सबसे कॉमन सेंस, पिछले क्लास में पढ़ाए थे हाइजेनबर्ग, क्या साबित किए थे हाइजेनबर्ग से, कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं, साबित किए थे ना, इसको नोट कह सकते बेटा। और भी है, चलो ना बात करते हैं, ये तो बेसिक पे बात किया। यहां देख ये डायग्राम देख, समझ में आ रहा है, ये डायग्राम, ये पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है ना। अब अगर इसका बाउंड्री दे दे बेटा, तो देख इसका बाउंड्री देने पे कैसा आएगा, ऐसा कुछ बनेगा। और अगर इसका बाउंड्री देते हैं, आ रहा बात समझ में, ठीक है, इसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग, और बाइटर। आगे देख, देखो तो कुछ समझ आ रहा आप लोग को, डॉट 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 डॉट, समझ में आ रहा है ना। ये पूरा को बाउंड्री कर, ये देखो बाउंड्री ऐसा बन रहा है पूरा ये, ठीक है। लेकिन इसकी बात कर तो ये क्या बेटा है ना, इसका बाउंड्री अगर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा कि नहीं, देख आया बात समझ में। तो हम लोग जो दिखाते हैं बेटा वो सिर्फ बाउंड्री वाला पार्ट दिखाते, होगा ऐसा। आइए आप कुछ और बात करते हैं, हाँ डी, अरे अभी सबसे मुलाकात करेंगे बेटा, एस से मिलेंगे, डी से मिलेंगे, सबसे मिलेगा। आइए पढ़ो, ये क्या कहता है, एंटी नोट क्या है, ये देख उस रीजन के अंदर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन मिलने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा उसको हम लोग कहेंगे एंटी नोट। अगला लाइन पढ़, समझ में आ रहा कि नहीं, आया। तो ये भी क्या पॉइंट है 3D रीजन में, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस सबसे ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा, 0%, उसको हम लोग कहेंगे। अब ये बताओ नोड कितने तरह का आप पढ़े, क्या है, आइए समझते, नोड दो, क्या क्या बेटा आपके पास, प्लेनर नोड, और एक कई बार कुछ और नाम से भी पुकारते हैं बेटा, इसको नॉन स्फेरिकल या नॉन रेडियल भी कहते हैं। निकालने का फॉर्मूला बोल, इसका फॉर्मूला L, और इसका फॉर्मूला, टोटल का फॉर्मूला, एकदम घोल के पी जाइए, ठीक है। चलो एक दो बातचीत कर लेते हैं, यहां पर बात करना, 1s में कितना प्लेनर नोड मिलेगा और कितना रेडियल नोड मिलेगा, बात कर,
इसमें सिर्फ एल को देखना है, और एल का मतलब आप एस देखोगे, एस का मतलब यानी वन, इसमें कोई नोड, कौन सा नोड नहीं है। और यहां पर बात करेंगे, बात कर फॉर्मूला अप्लाई करना सीख, एन का वैल्यू वन, क्या फॉर्मूला एन माइनस एन माइनस वन है ना, एन का वैल्यू बोल माइनस यानी वन, इसके अंदर में ना आपके पास कोई प्लेनर नोड है ना ही कोई स्फेरिकल नोड। आइए फिर से समझते, फिर से समझते, आ जा बेटा 2s बोल प्लेनर नोड, जीरो बोल स्फेरिकल नोड, बोल वन है। आइए समझाते दोबारा से, समझाते दोबारा से, समझाते ए बेटा, याद है अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाए थे, डॉट डॉट करके ये डायग्राम बनाए थे, फिर क्या किया था डॉट डॉट करके एक ऐसा दिखाए थे ना, ये 1s है और ये 2s है, बीच का जगह खाली है, ये कौन सा जगह हो गया स्फेरिकल नोड, समझ में आ रहा, फिर से समझाता हूं, यहां देखो, अरे 1s कोई नोड नहीं है, 2s में ये दिख रहा है ये व्हाइट वाला पार्ट, तो ये एक स्फेरिकल नोड है, इसमें चल चेक कर 3s में दो स्फेरिकल, 3s का प्लेनर नोड कितना होगा, ठीक है, प्लेनर का मतलब एक प्लेन में देखेंगे, स्फेरिकल का मतलब पूरा स्फेयर में देखेंगे, बात समझ में आ रहा, तो यहां पर देखो आइए बात करते कौन है, ये तुम्हारा रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला बोल बेटा, 3s के लिए बोल n l माइनस कितना आया, तो ये और ये जो ये दो आपका नोड बन गया, समझ में आ रहा है यहां तक, चलिए एक बार फिर से बात करते हैं, दोबारा से बोलना पार्टिसिपेट करना, बोल 2p की बात करते, बोल 2p में अगर आपके पास l और मतलब प्लेनर नोड स्फेरिकल नोड, बोलते जा प्लेनर नोड व्हाट, यानी एक प्लेन में नोड मिलेगा और जीरो है, आप समझते हैं, याद है, बोलिए कौन है, p है, ये देखिए प्लेन है, इस प्लेन में नोड पाया जा रहा है, एक प्लेनर नोड है, इसके पास कोई स्फेरिकल नोड, एक दो एग्जांपल दिखा दिए, बाकी बेटा आप फॉर्मूला से काम करोगे, बात समझ में आ गया नोड और एंटी नोड क्या हो रहा है, ठीक है, आइए कुछ और बात करते हैं, ये अच्छे से समझोगे, व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, व्हाट इज डी एफ ट्रिपल डबल होता है, ठीक है, आपके सिलेबस में एफ नहीं है तो इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आगे सुनो, ए गधे लोग ध्यान से सुनना, ये जो तीन ऑर्बिटल है एस पी डी, इसको अच्छे से समझना है, इसका बेटा शेप क्या है स्फेरिकल, ठीक है, और एस हमेशा कितना बनेगा एक, याद कर जो थोड़ी देर पहले शुरुआत करते एक घर बनाए थे ना इसके लिए, पी के लिए कितना बनाए थे बेटा दो घर, मतलब तीन ऑर्बिटल, एक घर का मतलब एक ऑर्बिटल ना, तो बेटा आपके पास पी ऑर्बिटल टोटल कितना होगा तीन होगा, और तीन में से एक पी एक्स होगा और एक पी वाई होगा और एक पी जेड होगा, उम्मीद करते इतना तो आपको मालूम होगा, उसी तरीके से डी में आपके पास कितना होगा पांच होगा, यहां तक क्लियर है बेटा सबको, किसी को कोई डाउट नहीं, अब सुनो ये तो हो गया इन्फॉर्मेशन, अब इसका थोड़ा सा शेप पे बात, शेप तो बात कर लिया, ओरिएंटेशन को समझते हैं, ठीक है, एक एक करके समझना बेटा अच्छे से, बोलना ये डायग्राम 1s 2s 3s, अब आपके लिए एक सवाल, ऑर्बिटल का शेप क्या चेंज होगा, नहीं, क्या चेंज हो रहा साइज, जैसे जैसे n का वैल्यू आपका बड़ा होता जाएगा ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, पहला, दूसरी सवाल आप बता सकते हैं इसका ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब ये जो 3D में बैठा हुआ x y z पे ये किस एक्सिस पे बैठा हुआ है, इसका ओरिएंटेशन बताइए, बोलेगा सर ये हर तरफ से इक्वली ऑक्यूपाइड है, यानी इसका ओरिएंटेशन नहीं है, इसका ओरिएंटेशन दिमाग में बैठा ले, एस का ओरिएंटेशन नहीं होगा लेकिन पी का होगा, बात कर पी कहां कहां ओरिएंटेड है, बात कर, है ना, ये आपका डबल डबल ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाया जा रहा है, ठीक है, हम लोग इस क्लाउड को क्या किया बाउंड्री दे दिए बेटा, बाउंड्री के हिसाब से ये हो गया, अब बोलिए किस एक्सिस पे लाई कर रहा, तो ये इसका ओरिएंटेशन कहलाएगा, किसका ओरिएंटेशन जेड एक्सिस है, ये कहां पे लाई कर रहा बेटा, इसका ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस है, ये कहां पे लाई कर रहा है, तो एस का ओरिएंटेशन नहीं होगा लेकिन पी का ओरिएंटेशन होगा, यहां तक ओके है, ठीक, एक बार और फिर से आप लोग तो पासवर्ड बैच है बेटा, एक बार फिर से बात करते हैं, यहां देख यहां सुनेगा बात, ये पांच में से पता है ये तीन क्या होता है और ये दो क्या होता है,
सुन लो, ये तीनों पाया जाता है एक्सिस पे नहीं प्लेन में पाया जाता है, इसलिए इसको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल भी कहते हैं, इसको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल भी कहते हैं, जबकि ये दोनों एक्सिस पे पाया जाता है, इसीलिए इसको एक्सियल ऑर्बिटल भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीन हो गया बेटा नॉन एक्सियल, क्योंकि ये तीनों प्लेन में लाई करते हैं और ये दोनों एक्सिस पे लाई करते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा एक्सियल ऑर्बिटल। यहां तक बात समझ में। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन, इन दोनों का कोई खास नाम भी दिया गया, याद है टीटू? बोलना, समझे जी टीटू जी, किसका नाम याद आया कि नहीं? किस चैप्टर पढ़े थे? पोटेंशियल, वहां पे भी इसका जरूरत पड़े। अभी जो कंसेप्ट बताने जा रहे बेटे, कंसेप्ट अच्छा खासा आपको वहां जरूरत पड़ेगा। ये सारे का डायग्राम का नॉलेज है आपको, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। बोलो, ये हुआ, आ जा, अब इस पर ध्यान दे, समझना अच्छे से। बोलो, ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? तो ये देख, ये कहां पे पाया गया है, वाई और जेड के प्लेन में है, एक्सिस पे नहीं है। यहां पर देखो तो ये कौन सा एक्सिस है और ये वाला कौन सा एक्सिस है, ये किस प्लेन में पाया गया, एक्स और जेड में, इसलिए आपको इसको डी जेड एक्स या डी एक्स जेड, डजंट मैटर, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोल बेटा, ये कौन सा एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई। तो यहां जो पाया गया है वो कहां पाया गया है, ठीक है? तो ये तीनों कहां दिखा आपको, एक्सिस पे दिखा, कहां दिखा, प्लेन में दिखा, ठीक है? तो ये तीनों प्लेनर है या नॉन एक्सियल है, बाकी को समझो। तो ये कौन सा एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, और इस बार कहां मिला आपने को, एक्सिस पे मिला, इसका नाम डी एक्स स्क्वायर। जनरली याद रखता है बेटा, इसका डी एक्स स्क्वायर माइनस पढ़ते पढ़ते हैबिट हो गया, ये एक्चुअली माइनस नहीं है, हाइफेन है बेटा, डैश है, ठीक है, पढ़ने में डजंट मैटर। तो क्या पढ़ोगे आप इसको, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोले या हाइफन वाई स्क्वायर। और ये कौन है, इसमें एक और खास बात आ गया, आपको क्या बताया गया था, डी ऑर्बिटल का शेप डंबल या डबल डंबल, ट्रिपल डंबल, कहां से आ गया बेगा था डंबल ना, यहां सुन यहां सुन यहां सुन, तो डंबल ये हमारा पी था ना एक डंबल, और ये हो गया एक और डंबल। तो देखो तो इसमें भी दिखा, इसमें भी दिखा, यहां पर भी दिखा, यहां पर भी दिखा, यहां नहीं है, यहां क्यों नहीं है, कैसे बना, वो सब बताएंगे, पहले ये चीज को दिमाग में बैठा। और आपके लिए एक सवाल है, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कहां है, प्लेन में, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कहां है, कौन सा एक्सिस, एक्स और यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कहां है, बोल। यहां पर तीनों एक्सिस पे पाया जाएगा, ध्यान से डायग्राम देख, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, डी जेड स्क्वायर में आप डायग्राम को देखो तो आपको तो जेड एक्सिस पे तो मिल ही रहा है, ये पूरा का पूरा रिंग कहां बैठा हुआ बेटा, एक्स और वाई के एक्सिस पे बैठा हुआ, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी जेड के साथ साथ एक्स वाई पे, हाँ जेड में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है लेकिन तीनों पे मिलेगा, जबकि यहां पर सिर्फ एक्स और वाई पे मिलेगा और यहाँ किसी पे नहीं मिलेगा। आया बात समझ में? आप में से कौन बेटा बताएगा इसका एक और नाम है, डी ऑर्बिटल का एक और नाम है डी जेड स्क्वायर का, नाम बोल, जल्दी बोल, कुछ तो बोल, अरे बोल बेटा, तुम लोग मेदू वड़ा खिलाएंगे, अच्छा डोनट खिला देंगे, डोनट है ना सर, बोलने से याद पड़ता है बेटा, है यहां देखो, पढ़ो इसको, डीजेड स्क्वायर का एक और नाम क्या बताया गया आपको, डोनट शेप होने की वजह से डोनट टाइप ऑर्बिटल भी कहा जाता है, इसका एक और क्या नाम दिया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेबी सूथर, हाँ एकदम बिल्कुल, देखा छोटा बच्चा को धोखा देने के लिए, बच्चा रो रहा है वहां कर, लेकिन मुंह में डाल दिया, ठिप्पी लगा दी, है ना, इसको दे, यहां देखो ये कौन है, ये कौन है, यही तो बेबी सूथर है, तो कुछ मिलता जुलता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, तो इसको बेबी सूथर टाइप ऑर्बिटल कहते हैं। और ये कौन है, इसका जो रिंग है ना बेटा वो डोनट जैसा, इसीलिए इसको डोनट टाइप ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है। ये डोनट खाए कभी आप लोग, मीठा होता है, हम लोग जो बेटा बचपन अपना डोनट कभी सुने नहीं थे, पर अभी जैसा ग्लोबल हो गया, अभी हर जगह पे अवेलेबल है, तो भाई उन लोगों का कंट्री है तो वो लोग अपना डोनट बनाया, हम लोग अपना मेदू वड़ा बनाएंगे भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है, तो हम लोग अपना नाम देंगे मेदू वड़ा और बाइटल, ठीक है, ठीक, देखो लॉजिक के हिसाब से बनता है कि नहीं, वो अपना डोनट लगा दिया, हम लोग मेदू वड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये डीजेड स्क्वायर समझ में आया बेटा आप लोग को, ठीक, एक बार फिर से डी समझाने जा रहे हैं, प्लेन का मतलब क्या होता है, एक्सिस का मतलब क्या होता है, और ये जो डी जेड स्क्वायर बना वो कैसे बना, ये सब पे बात करेंगे, ध्यान से देखना।
और सुनना देखो, और जो पूछते जाएंगे बेटा बताते जाना, ठीक है? चलो पहला आपको कौन कौन सा एक्सिस दिख रहा बेटा, और इस वक्त जो ऑर्बिटल इसका आप नाम क्या देना चाहोगे? डी दोगे? चलो तो ये क्या बन गया, डी एक्स स्क्वायर हाइफन वाई से माइनस वाई स्क्वायर बनाइए बेटा, क्लियर? अब बोलना क्या तैयार हो रहा है, कहां बन रहा है? प्लेन में बना है ना, इसका नाम क्या होना चाहिए? डी एक्स वाई होना चाहिए, समझ में आया बेटा? तो ऐसा करते डी एक्स वाई को उधर रखो, इसको इधर रखो, जो एक्सिस पे बना उसको इधर रखते, वो सर, क्लियर यहां तक? अब आइए अपना एक्सिस बोलो, ये कौन सा एक्सिस हो गया? जेड, और ये कौन सा है? एक्स, याद रखना वाई ऐसे परपेंडिकुलर है, उस तरफ दिख रहा, ठीक है? अब बोलो इसका नाम क्या होना चाहिए? लॉजिक यूज करो, होना चाहिए ना, जब ऊपर वाले का नाम दिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, या जेड स्क्वायर माइनस, बोले ना हाइफन वो आगे पीछे कर सकते, क्लियर है? जबकि ऐसा होता है, लेकिन लॉजिकली जो अभी देखो उसके हिसाब से होगा ना बेटा, इसका नाम क्या पड़ा? बोलो आप लोग बोलो, तो चलो देखते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ा बेटा? डी, और अब जो बनेगा उसका नाम क्या देना चाहोगे आप लोग? डी एक्स जेड या डी जेड एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा? इसको उधर लगा दे, चल बेटा उधर जा, अब फिर से प्लेन चेंज करते हैं, अब देखो कौन सा एक्सिस दिख रहा है आपको, जेड तो है ही, अब आपका एक्स परपेंडिकुलर हो गया, वाई ये दिख रहा है, बोल इसका नाम बोल, ये होता है नहीं होता है, पर अभी बना है ना, चलो ठीक है, आ जा बेटा इधर आ जा, अब यहां पे क्या होगा फिर से जो बनेगा, ये कहां एक्सिस पे, ये प्लेन में, प्लेन में, तो डी वाई जेड, क्लियर है? क्या ये तीनों होता है, बात कर, ये तीन में से कौन होता है? ये, अब देखो ये दोनों मिल करके बनाता है डी जेड स्क्वायर, ध्यान से देखना कैसे मिल रहा है बेटा, इन दोनों में कॉमन कौन है बोल, तो कहां इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा? साथ में एक्स में भी मिलेगा, वाई में भी मिलेगा, देख तैयार हो रहा है डी जेड स्क्वायर कैसे बन रहा, समझ इस चीज को, ये आपका जेड एक्सिस है, वहां पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, और ये बीच में आपका ये पार्ट रिंग बनेगा, ये तैयार हो गया आपका डी जेड स्क्वायर, आया बेटा बात समझ में? डी जेड स्क्वायर का खेल समझ में आ गया, ठीक है ना? ये आपका रिंग है, समझा? तो यहां पर देखो तो क्या बन रहा आपका, ये रिंग है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, ये डी जेड स्क्वायर है, ये रिंग के साथ, ये बिना रिंग के साथ है, आ गया बेटा आप लोगों को समझ में, क्लियर है? एक्सिस का पूरा खेल समझ में आ गया, प्लेन का पूरा खेल समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक इंफॉर्मेशन दे रहे बेटा, जान के रखना, आप लोगों के साथ अभी तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े नहीं है ना, पर इतना तो जानते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक एक लाइन बनता है, उस लाइन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन, वो एक एक लाइन क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी लेवल, मतलब वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में जानकारी कौन दिया था? बोर, ठीक है? और इसी को नाम दिया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद एक और बंदा आया सोमरफेल्ड, वो क्या किया कि इसमें से एक लाइन को लिया, उस एक लाइन को मैग्निफाई किया, बड़ा किया, बड़ा करने पे देखो क्या हुआ, जब उसको मैग्निफाई किया तो उस एक एक लाइन के अंदर में और भी पतला पतला लाइन पाया गया, इसको नाम दिया गया फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है? इसका नाम क्या था? फाइन स्ट्रक्चर, कौन दिया था? सोमरफेल्ड, और ये क्या कहलाया बेटा आपका? वैसे इसके ऊपर बहुत कुछ है, अजीमुथल क्वांटम नंबर जब सोमरफेल्ड डिस्कवर किया था तब उसका सिंबल एल नहीं था, तब उसका सिंबल के था, बाद में मॉडिफाई होकर के एल हुआ। अब सुनो, फिर से एक बंदा आया, कौन? ये देख, लैं, और वो इस एक लाइन को लेकर के क्या किया मालूम है? फिर से बड़ा किया, यहां पे बड़ा करने का एक्चुअली काम कौन किया था मालूम है? दो बंदा था, एक जीमैन था और एक स्टार था। जीमैन इस लाइन को उठा करके डाल दिया किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। जैसी मैग्नेटिक फील्ड में डाला, और पतले पतले लाइन में टूट गया, इसको डाला इसको, या इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला और पतले पतले लाइन में टूट गया, यही आगे चल करके आपका क्या बन गया बेटा? और जब इसमें से एक को उठा करके मैग्नीफाई किया गया तो उसके अंदर सिर्फ दो लाइन पाया गया, सिर्फ दो लाइन, वो दो लाइन दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्या बन गया बेटा आपका? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है? ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक नॉलेज है, टच करके रखो, हल्का सा आगे कहीं पे जरूरत पड़ने वाला है। यहां तक का बात समझ में बेटा आप लोग को? चलिए बात करते हैं, कहां तक पहुंच गए हम लोग? बेची हो गए ग्रीन,
माशाल्लाह सब जगह कितना परेशान करेगा ना, बोलो ना, बोलो ना, रिमोट दे रिमोट दे रिमोट दे, डान दिखे कटे जाए একটু ব্যাগ চাও, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, ঠিক আছে এইভাবেই রাখো, কিছু করার নেই, কিছু করার নেই রে, এখন আর সময় নেই, আমি আর রিসার্চ করবো, ওটা আগে থেকে করা উচিত ছিল আমাদের। চলো ঠিক আছে, এখন কিছু করার নেই, চলো 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 চলো, এবার দেখো ঠিক আসছে লেখাটা, এটা ভালো হয়ে যাচ্ছে, ব্যাগ যাও ব্যাগ যাও, কেটে যাচ্ছে বাবা, বলে না লাস্ট মিনিট মত কর বাবু, উনকো পরেশান বলে যে শুন, এবার তোরা দুজনকে বলবো যে চেষ্টা কর ভাই, নেক্সট ক্লাসে এইসব জিনিসগুলো যদি আমি এখনও আমি পড়াবো না, এইসব সেটিং করবো, করা ছিল না, এখনও তোরা সিরিয়াসলি পার্টটাকে নিস না, আমি সত্যি বলছি সিরিয়াসলি নিস না, মানে এমন কোনো জিনিস নেই যার সলিউশন নেই, যদি প্রবলেম আছে তো সলিউশন হবেই হবে, একটু দাও দেখো, কেন আমি একা সত্যি মানে পড়ানোটাও আবার সেটিংটা সব কিছু সম্ভব হচ্ছে না রে, বোঝ আমার কথাটা, আবার এই এই ওর ওরটা মাউজের মধ্যে লাগাও, এর মাউজ কাজ করছে না, ক্লাসে বাচ্চাদেরকে বসে যদি এইসব আমি করি তাহলে খুব বেশি দিন চলবে না, ওটার জন্য রেকর্ডিং শুরু কর, চলছে, হ্যাঁ চলো বেটা লোক, क्वांटम नंबर सारा बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी करने वाले बेटा ये कि पिछले 34 साल में नीट में जितना भी क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आया है और एम्स में जितना भी क्वेश्चन आया है अभी सारा को डिस्कस करेंगे और आप लोग उसमें फटाफट पार्टिसिपेट कीजिएगा, नोट करने का तो कोई चक्कर है नहीं बेटा यहाँ पर, ठीक है चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन फटाफट पढ़ और बोल आंसर क्या होना चाहिए, आंसर फोर, कैसे हुआ बेटा फोर, क्या है ये, तो सिंपल रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, बोलो ये कौन, ये क्या है, ये कौन सा नंबर बताइए, बोलो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में क्या बताया गया, बोलो रिलेशन फॉर्मूला पढ़े थे ना, बोल क्या पढ़े थे, एम का वैल्यू 12 प्लस 1, पूछा किसका वैल्यू बेटा एल का, तो बोल क्या होगा एम माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल्स 12, कहने का मतलब ये हो रहा है कि बेटा अगर ठीक ठाक आप फॉर्मूला पकड़ लिए तो बताओ ना इस तरह का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कितना वक्त लगेगा बेटा, 5 सेकंड 10 सेकंड, अगला सवाल पे आ जाओ, बोलो पढ़ो इसको, বলো বলো বলো, হ্যাঁ ফোর ফোর ক্যা বোলা ইয়া পর কন সা স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট হ্যাঁ, ক্যা বোলা দ্য শেপ অফ দিস 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 আর বেটার আর সিমিলার টু ইচ আদার অ্যান্ড দিস দিস আর সিমিলার টু ইচ আদার, সেম সেই হ্যাঁ, আচ্ছা এই ইন তিনো কা শেপ আর ইন দোনো কা শেপ ডিফারেন্ট হ্যাঁ, ডিজের ইসকা শেপ ক্যা থা याद है ना, वो पढ़े थे हम लोग डोनाट बेबी सुथर और अपना इंडियन स्टाइल में क्या था बेटा मेदू वाला, आइए इसका आंसर बोलो, ये ना बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, एन का वैल्यू 3 एल का वैल्यू 1 मतलब ये टॉकिंग अबाउट, और 3p में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6 होगा, नेक्स्ट
बोल थ्री है ना। याद है हम लोग पढ़े थे कि पांच में से तीन जो था वो नॉन एक्सियल था और जो बाकी दो एक्सियल था, तो यही दो तो एक्सियल था ना। बोलो मतलब तुम ऑप्शन टू बोल रहा कि आंसर टू बोला, दोनों वही है। याद है बात किए थे m का जितना वैल्यू होगा उतना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा। बोल m का कितना वैल्यू है मेरे पास, एक ही वैल्यू है। एक का मतलब ये मत पकड़ना कि ये एक लिखा हुआ वो है, अगर यहां जीरो भी तो उसको हम लोग एक वैल्यू मानते हैं। और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अच्छा यहां से क्वेश्चन आया, चलो दिमाग में आया, बात करते हैं। बोलना तो आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर n का वैल्यू 3 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2 हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर n का वैल्यू 3 l का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 1 हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। बात करो पहला वाला में 6 किडनी तोड़ देंगे मार के तुम लोग का, कौन सा ऑर्बिट का बात कर रहे हम लोग। यहां देखो ना क्वेश्चन का पैटर्न को समझो रे गधे लोग, क्वेश्चन का पैटर्न समझो। तीन क्वेश्चन दिए आपको, इस क्वेश्चन में सिर्फ n का पर वैल्यू पकड़ा, n का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिट। वो थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 18। इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, 2n स्क्वायर है ना। इसका आंसर बोल 10। l 2 होने का मतलब b हो गया, ये 3d बन गया, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10। यहां कितना हुआ, आखिरी वाला बोल 2। क्यों, अब ये वैल्यू आकर इस पर टिक जाएगा, m का मेरे पास एक ही वैल्यू, और एक वैल्यू का मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आजा अगला बात करते हैं, लो यही था ना। तो चलो बच्चा क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ। एंगुलर नोट का मतलब याद है, कौन सा नोट, प्लेनर की स्फेरिकल, प्लेनर। तो इसका मतलब हम लोग किसको लेंगे, एल लेंगे। और टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, एन माइनस वन। किसकी बात कर रहे हैं, अच्छा यार पूछा, ये तो तेरा वाला क्वेश्चन है ना। बोलो एल का वैल्यू और बैटल हैविंग थ्री एंगुलर नोड, तो इसका मतलब एल का वैल्यू 3 है, और एल का वैल्यू 3 किसके लिए होता है, एफ के लिए होता है। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है ना, ठीक है। और बाकी आप टोटल नोड निकालो तो टोटल का फॉर्मूला क्या है, एन माइनस वन, तो एन का वैल्यू तो 4 माइनस 1, तो उसके पास 3 एंगुलर नोड भी मिला और 3 टोटल नोड भी मिला, ठीक है। बोलो बोलो होगा ये, ठीक। नेक्स्ट अगेन इस तरह का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, देख सेम क्वेश्चन आया, क्या पूछा इस बार ऑर्बिटल, पिछली बार क्या पूछा था इलेक्ट्रॉन, एम का कितना वैल्यू मेरे पास, एक, तो कितना ऑर्बिटल होगा, एक होगा ना, इलेक्ट्रॉन पूछता तो दो होता। आगे बोल बेटा, सेम क्वेश्चन फिर है ना, एम का वैल्यू पूछा क्या इस बार, पिछले वाले में क्या पूछा था, इस तरह का क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछे। चलो एक बार फिर से पूछते, बताना अब मेरे को यह बताओ कितना ऑर्बिटल होगा अगर n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 l का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 1 है। बोल जवाब दे, अगर n का वैल्यू 3 तो कितना ऑर्बिटल, 9। बोल बोल 1, क्योंकि n 3 और l 2 का मतलब क्या हो रहा है, 3D, तो 3D मतलब D में कितना ऑर्बिटल मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। P इलेक्ट्रॉन, बोल फॉर्मूला क्या इसके लिए, अंडर रूट L इनटू L प्लस 1 एच बाई 2 पर पी के लिए एल का वैल्यू, बैठा आंसर बोल है ना। अब इसको सिंप्लीफाई किएगा, बोल इन इनका वैल्यू क्या है, 1, तो 1 बैठाने पे कितना आएगा, 2 एच बाय
रूट टू एच बाई टू पाई, काट दे यहां से, ये बन जाएगा। बोलो और सुन ले बेटा, ये क्वेश्चन पूछ पूछ के ना कई बार पूछ चुका है और कई एग्जाम में पूछ चुका है। बताओ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? एटॉमिक नंबर। बोल इसके आखिरी में पहुंचते हुए आपको क्या मिलेगा, है ना? 37 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? ये होगा ना। बोल क्रिप्टन कितना है? 36। इसके बाद क्या आएगा? 5s1। सो यहां पर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोल इसके लिए n का वैल्यू 5, खत्म हो गया। s का वैल्यू, l का वैल्यू एक ही आपके पास और नहीं है, तो आंसर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। होगा n का, l का वैल्यू 3 है तो 3 का मतलब f, और f में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 14 होगा। द टोटल अमाउंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फोर्थ ऑर्बिट, फॉर्मूला बोल, फॉर्मूला बोल, n स्क्वायर, n का वैल्यू, आंसर 16 होगा। नेक्स्ट, क्या है? नॉट परमिसेबल। तो बताओ ना, अगर n का वैल्यू 5 होगा तो क्या l का वैल्यू 3 हो सकता है? हो सकता है। और अगर l का वैल्यू 3 होगा तो क्या m0 हो सकता है? s इशू नहीं है यहां पर, देखो माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ प्लस ऑफ, तो इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आगे बोल, अगर n का वैल्यू 3 होगा तो l2 हो सकता है, और अगर l का वैल्यू 2 होगा तो -3 हो सकता है। क्यों? क्योंकि l2 होने का मतलब -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, और ये होगा ना। तो आंसर बोल बेटा 2। ठीक, अच्छा नेक्स्ट। बोलो 4 कैसे? इसका तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़ते ना, 2 × 12 + 1, यही था। नेक्स्ट, बोलो 2 4 क्या पूछा है? कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, और कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? आइए चेक करते हैं। बोल 3 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, तो ये सही कॉम्बिनेशन है। 2 के साथ 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 के साथ मतलब क्या होना चाहिए? 0 और 1 होगा, है ना? इसका मतलब ये गलत हो गया यहाँ पर। और 4 के लिए 3 होगा, 3 के लिए -2 होगा। अगेन देख लो, आपका ये इशू नहीं, तो इस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। अब आ जाओ, 1 का मतलब 0 और 0 का मतलब -1, नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। बोले इसका मतलब 3, 3 का 2 होगा, नहीं होगा। तो आंसर बोल कौन कौन सा हुआ? 2 4 5, 2 4 5, आंसर 2 होगा। ओरिएंटेशन कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बनाता है ना, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक और नाम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, देख वो क्वेश्चन फिर से आ गया, भरा हुआ बेटा ऐसा क्वेश्चन। अब तक तो आप लोगों का प्रैक्टिस हो गया होगा। बोल बोल हाउ मेनी, तो m का कितना वैल्यू आपके पास? 1 है, तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। बोलो बोलो 3। आपको डिजिट ऑर्बिटल का क्या मतलब पढ़ाए थे? वो ऑर्बिटल जिसका एनर्जी और ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, है ना? बोलो, है ना? क्या बोले? मैग्नेटिक, अच्छा स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ दिया, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या दिया है?
और ये किसके लिए पॉसिबल नहीं है? एस, क्योंकि एस इज द ओनली केस जहां मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू बेटा जीरो होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला आंसर 14। बहुत पुराना, तुमने पैदा हुआ था सिस्टम में हा? नहीं होता ना, बच्चा वाला क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। आप देखो थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन आपका 2000 के सीरीज में कोई एग्जाम में पूछा गया था। चलो बोलो यहाँ पर, ये तो और इजी वाला क्वेश्चन है बेटा, बोल। बोलो क्या पूछा है? आंसर कॉपर। देख कॉपर का एटॉमिक नंबर बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद बोल 4s1 और 3d10 यही है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Cu+? एक इलेक्ट्रॉन गया और गया कहां से जाएगा? लास्ट ऑर्बिट। तो आखिरी ऑर्बिट कौन बचा? ये अब गिन इसमें कितना है, 2 6 10। आंसर Cu+। ठीक है, अब कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है ना। नहीं, कुछ मिसिंग हुआ बेटा, एक तो इनटू होना चाहिए था और यहां पे भी एजिमिथल क्वांटम नंबर का वैल्यू मिसिंग है। छोड़ दे, तो इसका मतलब बताओ एजिमिथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होना चाहिए? यहां 1 होगा बेटा। अगर कंसेप्ट पकड़ लोगे तो कई बार आप क्वेश्चन को खुद करेक्ट करना सीख जाओगे कि क्या गड़बड़ होगा। बताओ फिर से रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बना है, रिपीट हुआ, बोल क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबशेल क्या था? आठ हो गया। वैसे थोड़ी ना पकड़ेगा बेटा, ना ना, अरे बाबा इन्हें देख ना, दिए ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजिमिथल क्वांटम नंबर, তার মানে এখানে কিছু একটা মান মিসিং আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন। নাইট্রোজেন 2+, নাইট্রোজেন কা অ্যাটমিক নাম্বার বল 7। 7 কা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 1s2 2s2 2p3, यही है ना। दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से? निकलेगा 2p से। तो 2p से बेटा दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो बचेगा कितना? एक। पूछा क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन? एक बचा ना। अरे 2p से तुम दो निकाल दिया बेटा तो एक बचा ना। ठीक है, आओ स्फेरिकल का फॉर्मूला n - l - 1, n का वैल्यू, l का वैल्यू, 1 का वैल्यू। आंसर बोल। आंसर 1। ठीक है, फिर से आ गया, रिपीट हुआ। बोलो तुम अगर एक पैटर्न देखो कि ये क्वेश्चन पुराना नया, तुम देख रहे हो ना 90 के पहले का क्वेश्चन आप कुछ देख रहे हैं, 2000 का क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। ठीक है, और रिपीट होगा रे गधे लोग, सिलेबस का फ्रेमवर्क तो वही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है तो सवाल तो वहीं से पूछा जाएगा। बोल बेटा आंसर। एंगुलर मोमेंटम किसके लिए बोला? डी। डी का मतलब एल का वैल्यू, 2। एल का वैल्यू तो 2 × 2 + 1 कितना होगा? 6। 6h/4 हमारा फॉर्मूला क्या होता है? h/2π, तो क्या होगा? 6h/√6 2π। है ऐसा कोई ऑप्शन? अच्छा, h/2π का मतलब याद है ना, एच क्रॉस। तो बोल आंसर कौन सा होगा?
होगा ना, क्योंकि एच बाई टू पाई को आप क्या लोगे, एच क्रॉस लोगे। रिपीट हुआ, बोल। एल का वैल्यू वन, माने ऊपर कितना आएगा, टू, तो बोल आंसर। देख क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, ये थोड़ी देर पर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बना था, है ना, अगेन क्वांटम नंबर का क्वेश्चन, लेकिन अब किस काम में पढ़ेंगे बेटा। ओह फिर से वही कलर, फालतू कलर है, रुक जा कलर चेंज कर दे। चलो इसी में करते बेटा, अभी कुछ नहीं, अभी सेटिंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आजा, टोटल नंबर ऑफ, आंसर बोल, क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, आंसर एन स्क्वायर। क्वांटम नंबर of an atom can be defined on the basis of, इस अच्छे से समझना बेटा यहां से, मतलब ये बताओ अगर आपसे एक सवाल पूछे कौन सा क्वांटम नंबर है जो बाकी क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, एस स्पिन क्वांटम नंबर। अब तक देखो हमने कितना सारा प्रॉब्लम बना, इस प्रॉब्लम के दौरान एस से अपने को कोई मतलब ही नहीं था, है ना, वो किसी पे, उसका आंसर फिक्स था प्लस माइनस हाफ, और ये फर्क कौन बताया था, पाउली। याद करो जब हम आपको पाउली का स्टेटमेंट एक बार फिर से समझे, याद है, अगर आपसे कहा जाए ए यहां देखो ये 2s दो इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2s में दो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का अगर हम सेट तैयार करेंगे चार क्वांटम नंबर का सेट, तो बोले n का वैल्यू, l का वैल्यू, m का वैल्यू और रोटेशन प्लस हाफ, इसकी बात करेंगे 2 0 0, तो क्वांटम नंबर में अगर कहीं पर फर्क आ रहा है तो किसके वजह से आ रहा है ना, और ये फर्क का रूल बताया कौन था, पॉली का ही कहना था ना ये, ठीक है। एजिमिथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, एंगुलर, अभी इतनी देर में इतना सारा प्रॉब्लम बना है, l इंटू एल प्लस, भूल गई रहेगा जी, अरे आओ बोल आंसर, फोर कैसे होगा रे गधा, क्या पूछा है, क्वांटम नंबर m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसका है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशियल, ठीक है, आइसोमिज्म, स्टीरियो आइसोमिज्म सुने बेटा, स्टीरियो आइसोमिज्म का एक और नाम स्पेस आइसोमिज्म, क्यों, स्ट्रक्चरल आइसोमिज्म टू डायमेंशन होता है और स्टीरियो एंड स्पेस जो होता है वो थ्री डी, स्पेस थ्री डी को रिप्रेजेंट करता है बेटा। नेक्स्ट, आंसर क्या पूछा है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ हैविंग एल इक्वल्स टू, अब तो आंसर बोल, मैंने ऑप्शन टू है ना, टू होगा, अरे आप कई तरीके से निकाल सकते हो बेटा, एक तो आपको फॉर्मूला दिया गया था याद है, टू एल प्लस वन, यहां तीन बटा तो सेवन आएगा, या डायरेक्टली बोलोगे सर एल का तीन, तीन का मतलब होगा एफ, और अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए कि एफ में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा, सात होता है, ठीक ठीक। इज अलाउड, एन का वैल्यू तीन, एल का वैल्यू टू अलाउड है, अलाउड या नॉट अलाउड, अलाउड है बोलो, और एल का वैल्यू टू, एम का वैल्यू, पर एस ये तो अलाउड नहीं है, रिजेक्ट हो गया, बोलो कौन सा अलाउड है, सेकंड ऑप्शन है ना, बोल यहां पे कहां गड़बड़ है, गड़बड़ पकड़, यहां गड़बड़ मिल गया, और गड़बड़ पकड़, यहां गड़बड़ पकड़, इसमें गड़बड़, ठीक है,
वह जा पहले आंसर है। चलो पढ़ो सबसे पहले एक एक सुनो assertion reason का तरीका क्या बताया था बेटा कि आप assertion और reason में reason बाद में ढूंढना पहले दोनों स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स चेक करो। तो क्या लगता है assertion स्टेटमेंट ट्रू है? एन ऑर्बिटल डेजिग्नेटेड n इक्वल्स टू 3 l इक्वल्स टू 1 मतलब किसकी बात कर रहे बेटा? और 3p का शेप डंबल ये क्या बोला? तो यहीं पे गलत हो गया। अब और कुछ चेक करने नहीं है। बोल क्या है? अच्छा यहाँ पांच ऑप्शन है, यहाँ पांच ऑप्शन है, अब नहीं आएगा लेकिन पहले आया करता था बेटा। तो अब अगला को भी चेक कर लेते हैं। इट बिलोंग्स टू पी सब शेल। बोल आंसर। होगा एसेशन करेक्ट है पर रीजंस का करेक्ट